ऐसे ही अभी मुझे गाड़ी क्लीन करानी है, मैं दूसरी साइड से एंटर करूंगा, यहाँ से एंटर करो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिवम। तो भाई 4 अप्रैल हो चुका है, इस टाइम पे अप्रैल कब का स्टार्ट हो चुका है, अभी तक कनाडा में समर्स नहीं आया है। अच्छी खासी ठंड पड़ रही है अभी भी, आज भी 4 डिग्री है, देखो कब तक समर्स आते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन अब ये है कि थोड़ा ना टेम्परेचर ठीक रहने लगा है, और पहले तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था बिल्कुल डार्क, जैसे इंडिया में अपने 9 बजे होता है सेम 5 बजे वैसा अंधेरा हो जाता था यहाँ पे, लेकिन अब तो अराउंड 7-7.30 बजे तक धूप निकलती है। थोड़े टाइम की बात है जब प्रॉपर समर्स आ जाते हैं ना यहाँ पे, लाइक अराउंड मई और जून में, तब तो अराउंड 9 बजे तक 9:30 बजे तक यहाँ पे सूरज निकल रहा होता है, इतना गैप आ जाता है। तो चलो यार, अभी थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी गाड़ी वॉश करा लूँ, मैंने सोचा वो काफ़ी गंदी हो रखी है, इतने दिनों से कंटिन्यू स्नो गिर रही थी जिसकी वजह से गाड़ी की हालत थोड़ी बेकार हो गई है। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी वॉश करवाता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वॉश होती है यहाँ पे कनाडा में, बैठे रहना है आपको गाड़ी में, आपकी गाड़ी धुल के दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी, बस वही कराने जा रहा हूँ, चलो देखते हैं। तो यार अभी बस मैं ना गाड़ी में से सारा सामान निकाल रहा हूँ, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि पूरी गाड़ी के अंदर मुझे वैक्यूम करना है, तो सारा सामान हटा के पूरी गाड़ी को वैक्यूम करके फिर बाहर से अच्छे से धुलवाऊंगा। तो यार देखो कितना गंदा हो रखा है ट्रंक भी, इतना सामान पड़ा हुआ है, इतना कूड़ा आ गया है ना, अच्छे से वैक्यूम मार के पूरी गाड़ी साफ़ करूँगा। और यार ये देखो यहाँ पे ना गाड़ी में पानी नहीं डलता, जैसे इंडिया में तो पानी से भी काम चल जाता है विंडशील्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे विंडशील्ड लिक्विड आता है ये देखो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, अगर हम लोग पानी डालेंगे तो फिर पानी फ्रीज हो जाएगा और फिर तो गाड़ी साफ़ होने से क्या, गाड़ी में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो पानी की जगह हम लोग ये डालते हैं विंडशील्ड लिक्विड, ये -45 डिग्री सेल्सियस तक भी फ्रीज़ नहीं होता, तो बड़ी काम की चीज़ है ये लेके रखना पड़ती है एक बार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे कार वॉश कराने के लिए, और काफ़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी सारी गाड़ी वॉश हो रही हैं, तो मेरा नंबर थोड़ा लेट ही आएगा, बट आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पे कैसे अंदर गाड़ी वॉश होती है। तो यार ये देखो ये वैक्यूम लगे होते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर होते हैं, ये वैक्यूम में हमें ये देखो $2.50 हमें इसमें डालना है तभी वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें अराउंड 2 मिनट्स एंड 50 सेकंड का टाइमर होता है, तो इतना टाइम हमारे पास होता है हमें अपनी सारी गाड़ी क्लीन करनी है इससे, और अगर हमें और टाइम चाहिए तो इसमें और पैसे डालो और कॉइन्स डालो $2 के, तो आगे और टाइमिंग मिल जाती है हमें वैक्यूम से क्लीन करने के लिए। तो यार पहले मैं वैक्यूम से गाड़ी क्लीन करूँगा, उसके बाद मुझे कार वॉश करानी है। तो यहाँ पेट्रोल पम्प पर ही सारी चीज़ होती है, यहाँ से आप गैस भरा लो अंदर से, जैसे ही आपकी गैस भर जाए, अगर आपको ये देखो यहाँ पे ये है हवा भरने के लिए, गाड़ी में हवा भी खुद ही भरनी पड़ती है यहाँ पे, इसमें भी $2 का कॉइन डालना पड़ता है। तो ये देखो गाइस ऐसे गाड़ी क्लीन होती है यहाँ पे, ये रोबोट से क्लीन होती रहती है, अंदर बैठे रहो गाड़ी में पूरी क्लीन होके दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी, ये सोप डालते हैं सब कुछ अपने आप क्लीन होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं होता, बस यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वॉश होगी, ऐसे सोप आएगा फिर पानी आएगा, ये देखो पानी का प्रेशर आया। ऐसे ही अभी मुझे गाड़ी क्लीन करानी है, मैं दूसरी साइड से एंटर करूँगा, यहाँ से एंटर करो और यहाँ से गाड़ी एग्जिट हो जाती है क्लीन होने के बाद। तो अभी नेक्स्ट 2 के बाद हमारा नंबर है, तो यार इसमें डलेंगे $2.50 यहाँ पे, तो गाइज $2.50 में मिले थे वैक्यूम में 5 मिनट क्लीन करने को, और 5 मिनट तो यार इतने जल्दी खत्म हो गए पता ही नहीं चला। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ चेंज लेने के लिए स्टेशन पेट्रोल पंप पे अंदर, यार मैं चेंज लेने आया हूँ क्योंकि चेंज मेरे पास है नहीं, और वैक्यूम में चेंज चलेगा $2.50, तो बस चेंज लेने के बाद फिर मैं जाता हूँ फिर से वैक्यूम पे। तो यार फाइनली मैंने चेंज ले रही है $5 के, और अब दोबारा जा रहा हूँ वैक्यूम करने के लिए, इस बार पूरी गाली क्लीन हो जाए, होप सो। Things are not the same as they were a year ago. So guys, finally वैक्यूम हो गया है कार में, पूरे $5 लगे हैं गाड़ी में वैक्यूम होने में, बताओ ₹300 इंडिया के वैक्यूम होने में लगा दिए यहाँ पे, 300 में तो नया वैक्यूम क्लीनर आ जाए इंडिया में। तो चलो कोई ना, अब वैक्यूम हो चुका है, अब कार वॉश करानी है। कार वॉश का प्राइस है यहाँ पे $16 अगर आप पेट्रोल नहीं भराते तो, अगर पेट्रोल भराओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है $2, बट पेट्रोल नहीं भराओगे तो $16 का कार वॉश है। चलो अपने वो कार वॉश कराना है तो कार वॉश करा लेते हैं, साथ में थोड़ा सा पेट्रोल भी भरा लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब लाइन में लग जाएं जल्दी से। तो गाइस ये देखो इंडिया में ₹200 में कार वॉश हो जाती है, वो भी इतने अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने $16 पे करे हैं कार वॉश के लिए और $10 गैस के लिए।
$16 मीन 960 रुपीज इंडिया के सिर्फ कार वॉश के लिए। इतने में गाड़ी धुलती है बताओ, 200 रुपए में धुल जाती है इंडिया में। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Guys, finally, अब मेरा नंबर आ गया कार वॉश के लिए। ये एंटर होते ही ये देखो, यहाँ पे आ गया स्टॉप साइन। तो यार बड़ा मजा आ रहा है ऐसे कार वॉश करवाने में। ये वाली कार वॉश की फीलिंग मैंने इससे पहले बस सैन एंड्रियास गेम खेलते हुए ली है, और कहीं नहीं ली। यार ये बड़ी सही चीज़ है, आराम से गाड़ी में बैठे रहो और आपकी पूरी कार वॉश हो जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। तो यार वॉश हो गई है गाड़ी, अब यहाँ पे होगी एयर ड्राई। यहाँ से गाड़ी वॉश होने के बाद ड्राई होती है और ड्राई होके सीधे बाहर निकलती है। ये देखो ये ड्रायर है, इससे पूरी कार गाड़ी भी ड्राई हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जिट हो गया कार वॉश है और यहाँ से निकल गए बाहर। कार क्लीन हो गई है, देखो पूरी चमक गई लगी है कार वॉश के बाद। इतनी मिट्टी हो रही थी ना पहले यार स्नो के चक्कर में, ना बेकार हो जाती है बिल्कुल, और अब देखो कैसे बढ़िया एकदम चमचमा गई पूरी चारों तरफ से। तो गाइस फाइनली आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।